मेरे प्यारे साथियों आप सभी का हमारे इस फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मालूम है कि बी भोपाल का अप्रेंटिस का सात जनवरी को पेपर है बहुत सारे बच्चों ने इस फॉर्म को भरा है लेकिन उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा जो बाकी तैयारी करेंगे वो पेपर में अच्छा करेंगे तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो तो उसके लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना पड़ेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक चैप्टर करके बताऊँगा क्या क्या आने का चांस है और पिछली साल किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आए थे उन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था मैंने झांसी में भी पेपर को एनालिसिस किया था और डाला था तो झांसी में भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और भोपाल का पेपर भी जो पिछले साल हुआ था उन क्वेश्चन को भी मैंने एनालिसिस किया था और इस बार हम बी भोपाल के सात जनवरी दो को नए साल के उपलक्ष्य में होने वाले जो पेपर का होने वाला है अप्रेंटिस का उसका मैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ तो आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन बी भोपाल में हो और हम भोपाल बी जैसी महारत्न कंपनी में अप्रेंटिस कर पाए क्योंकि यदि आप अप्रेंटिस करोगे तभी बी में नौकरी पा पाओगे यदि आप अप्रेंटिस नहीं करोगे तो आपको बी में नौकरी करने का मौका नहीं मिलेगा तो यदि आप चाहते हैं कि हम नौकरी करें बी में और बी भेल परिवार के सदस्य बने क्योंकि बी एच एल एक बहुत ही अच्छी महारत्न कंपनी है तो उसी के लिए हम अपेंटिस कर रहे हैं हमारी पहली सीढ़ी है हम अपेंटिस करेंगे इसके बाद जॉब भी पाएंगे क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका अपेंटिस में भी होगा और गवर्नमेंट जॉब में भी होगा वो भी बी एच एल में तो इसमें हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनको बी एच एल भोपाल का पेपर देने जाना है वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे और हम क्वेश्चन बताएंगे तो आप पूछिए क्वेश्चन कैसा किसमें डाउट है और कैसे क्या है सर जैसे पहले पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं नहीं पहले पेपर नहीं इसमें पेपर एक ही होता है देखिए ये भी एक डाउट है कि अपेंटिस में कितने पेपर होंगे जो हमारे स्टूडेंट ने पूछा है कि अपेंटिस में कितने पेपर होंगे तो दोस्तों जो भी अपेंटिस का पेपर बी भोपाल का देने जा रहे हैं उसमें एक ही पेपर होगा और एक ही पेपर होगा और वो फिफ्टी मार्क्स का होगा पचास नंबर का पेपर होगा ऑप्शनल होगा और उस पचास नंबर में आपकी ट्रेड थ्योरी साइंस रीजनिंग और मैथ इन चार चीज आने का चांस है लेकिन पेपर एक ही होगा पचास नंबर का होगा और एक घंटे में होगा दूसरा क्वेश्चन अपना डाउट पूछिए आप पहले लेसन में से क्या आएगा अब हमारे स्टूडेंट का एक सवाल है कि पहले लेसन से क्या आ सकता है तो मैं आपको पहले लेसन से बता दूं कि पहले लेसन से एक आग का क्वेश्चन जरूर आएगा कि आग का क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आने का चांस किसका है वो मैं क्वेश्चन आपको बता दूं कि किस फायर पर कभी भी पानी नहीं डालते हैं तो ऑयल फायर पर कभी भी पानी नहीं डालते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि आग जो होता है किन तत्वों से मिलकर बना होता है तो आग तीन तत्वों से मिलकर बना होता है जिसमें एक होता है ताप एक होता है ईंधन एक होता है ऑक्सीजन तो इन तीन तत्वों से मिलकर आग का निर्माण होता है इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है फाइव एस का क्योंकि अभी हमारा भारत सरकार जो है फाइव एस पर बहुत काम कर रहा है क्योंकि फाइव एस के द्वारा दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है तो फाइव एस के मैं पाँचों एस का मतलब आपको बता देता हूँ फाइव एस में पाँच एस होते हैं पहले एस का मतलब होता है सॉर्ट दूसरे एस का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर तीसरे एस का मतलब होता है साइन चौथे मतलब होता है स्टैंडराइज और पांचवें तो ये पांचों एस आप हमारे वीडियो को रोक करके दोबारा देख करके लिख लीजिए ये क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा है इसके बाद और फर्स्ट चैप्टर से क्या आ सकता है उसमें सेफ्टी साइन आ सकते हैं चार प्रकार के सेफ्टी साइन होते हैं देखिए पहला होता है आदेशात्मक दूसरा होता है निषेधात्मक तीसरा होता है वार्निंग चौथा होता है इन्फॉर्मेशन जिसको मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ तो मैंडेटरी प्रोहिबेशन और इसके बाद होता है वार्निंग और वार्निंग के बाद होता है इन्फॉर्मेशन तो चार साइन आप याद कर लीजिए तो इनसे ही पहला चैप्टर आपका कवर हो जाएगा इतना छोटा मोटा चीज़ आप सभी जानते होंगे क्योंकि आई टी करे हुए हैं कि आपको किससे बुझाते हैं तो आपको फायर एस्टेंग्विशर से बुझाते हैं फर्स्ट एड क्या होती है जब कोई व्यक्ति या अपना साथी बीमार हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड दी जाती है फर्स्ट एड बॉक्स पर किसका निशान बना होता है तो प्लस का निशान बना होता है तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने जो मेन क्वेश्चन थे वो पहले बता दिए है सर दूसरे पार्ट से क्या आएगा अच्छा दूसरे लेसन की अब बात हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं कि दूसरे लेसन से क्या आएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दूसरे लेसन में हमारा आता है मेजरमेंट तो इसमें हमारी स्ट्री रूल की लिस्ट काउंट कितनी होती है तो स्टील रूल की दो लिस्ट काउंट होती है पहली लिस्ट काउंट होती है जीरो पॉइंट फाइव एम एम या एक बटे दो एम एम दोनों का मतलब एक ही है जीरो पॉइंट फाइव एम एम या एक बटे दो एम एम ये आ सकता है ब्रिटिश लिस्ट काउंट स्टील रूल की आ सकती है वो होती है एक बटे चौंसठ इंच इसको बिल्कुल ध्यान रखिए एक बटे चौंसठ इंच होती है तीसरा जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बिल्कुल हंड्रेड परसेंट याद कर लीजिए कि तो एक एम एम में कितने माइक्रोन होते हैं ये सारे आई डी आई वाले बच्चों को आना चाहिए एक एम एम में एक हज़ार माइक्रोन होते हैं एक एम में एक हजार माइक्रोन होते हैं और दूसरा इसी का उल्टा क्वेश्चन आ सकता है कि एक माइक्रोन में कितने एमएम होते हैं एक माइक्रोन में कितने एम होते हैं तो दोस्तों एक माइक्रोन में जो होते हैं वो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम होते हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना मैं दूसरे से बार बोल देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार लोग गड़बड़ कर देते हैं जहाँ एक हज़ार लगाना है वहाँ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम लगा देते हैं जहाँ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन लगाना है वहाँ एक हज़ार लगा देते हैं तो अगर ऐसी गलती करोगे तो आपका गड़बड़ हो सकता है तो ध्यान सुन लीजिए एक एम mm एम बराबर एक हजार माइक्रोन एक माइक्रोन बराबर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम एम या दस की पावर माइनस तीन भी कह सकते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है दूसरे चैप्टर से इसके बाद आपको स्टील रूल की लिस्ट काउंट तो हो गई है बर्नियर के लिए पर लिस्ट काउंट आपको आनी चाहिए बर्नियर के की दो लिस्ट काउंट होती है मीट्रिक में होती है जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम और ब्रिटिश में होती है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन काउंट आप याद करिए दोस्तों जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम और जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन इंच माइक्रोमीटर की आपको दोस्तों लिस्ट काउंट याद होनी चाहिए क्योंकि माइकोमीटर एक सूक्ष्म सूक्ष्मी यंत्र होता है वो ये बहुत जरूरी होता है तो माइकोमीटर की लिस्ट काउंट होती है जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम जो बन्नेर कैली पर में जीरो पॉइंट जीरो टू थी वो जीरो पॉइंट जीरो टू नहीं रहेगी वो जीरो पॉइंट जीरो वन रहेगी जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम और ब्रिटिश में वही रहेगी जो बन्नेर गैली पर की थी जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन इंच तो इस तरीके से ये दो तीन लिस्ट काउंट आपको याद करना है स्टील रूल की लिस्ट काउंट याद करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा चाहे वो अपेंटिक्स का एग्जाम हो चाहे नौकरी का एग्जाम हो हमेशा आते रहते हैं इसलिए जब नौकरी में हमें याद ही करना है तो हम अपेंटिक्स में ही याद कर लेते हैं तो हमारा अभी का भी काम हो जाएगा आगे का भी काम हो जाएगा तो आपको ऐसा काम करिए जो आपको हमेशा काम आए इसके बाद तीसरे चैप्टर में मैं आपको बता देता हूं तीसरे चैप्टर में मार्किंग मीडिया मार्किंग मीडिया या मार्किंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है जैसे स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है स्क्राइबर का पॉइंट एंगल जो होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है 12 से 15 डिग्री हमारा तीसरा चैप्टर था मार्किंग एंड मार्किंग टूल का चौथा क्वेश्चन होता है हैंड टूल का तो हैंड टूल में हैमर आता है तो हैमर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि हैमर का साइज कैसे लिया जाता है तो दोस्तों हैमर का साइज उसके बाहर से लिया जाता है और ये हैमर का भार कहाँ लिखा जाता है हैमर का उसके चीक पर लिखा जाता है हैमर का भार जो लिखा जाता है कहाँ लिखा जाता है उसके चीक पर या बीच वाले हिस्से पर लिखा जाता है और हैमर का है स्पेसिफिकेशन और वर्गीकरण उसके भार से किया जाता है हैमर का आ सकता है इसके बाद 22 का आ सकता है क्वेश्चन क्योंकि वो भी हैंड टूल में ही आता है कि बाइस

कि चीजल के जो तीनों कोण होते हैं उन तीनों कोणों का टोटल कितना होता है जिसमें रेक एंगल होता है क्लियरेंस एंगल होता है पॉइंट एंगल होता है तो तीनों का टोटल कितना होता है तो दोस्तों तीनों का टोटल नाइन्टी डिग्री होता है तो आपको ध्यान रखना है चीजल के झुकाव एंगल को क्या कहते हैं तो चीजल के झुकाव एंगल को हम इंक्लाइंड एंगल कहते हैं तो ऐसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन जो आते रहते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी मैंने पाँच से दस या पंद्रह क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए यही क्वेश्चन आप याद करिए इसके बाद इसमें चीजल हेक्सा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है तो क्या आ सकता है कि हेक्सा ब्लेड जो होती है उसका साइज कैसे लिया जाता है तो हेक्सा ब्लेड का साइज दोनों पिन होलों को सेंटर टू सेंटर बीच की दूरी से लिया जाता है हेक्सा ब्लेड का साइज इसके बाद पाइप को काटने के लिए हेक्सा ब्लेट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइप को काटने के लिए किस पिच के हेक्सा ब्लेट का उपयोग करते हैं तो दोस्तों पाइप को काटने के लिए कोई भी पाइप हो चाहे वो सॉफ्ट मेटल का पाइप हो चाहे वो हार्ड मेटल का पाइप हो एक बार मैंने अभी सॉफ्ट मेटल के पाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था तो उसमें एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि भाई वो मटेरियल प्लास्टिक है उसके लिए तो वन पॉइंट होना चाहिए तो दोस्तों आप इस तरह की गलती नहीं करना क्योंकि कोई भी पाइप हो चाहे प्लास्टिक हो चाहे वो हाई कार्बन स्टील हो चाहे वो सीमेंट का पाइप हो कोई भी पाइप हो उसके लिए हमारा जो हेक्सा ब्लेड का पिच होता है वो होता है जीरो पॉइंट एट एम एम जीरो पॉइंट एट एम एम के हेक्सा ब्लेड के द्वारा हम पाइप को काटते हैं मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है अगर पाइप नहीं है तो हार्ड मटेरियल के लिए जीरो पॉइंट एट एम एम होता है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए वन पॉइंट एट एम एम होता है तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इसके बाद अगर हम मैथ में बात करें तो मैथ में आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर शंकु का आयतन क्या होता है संकु का शंकु का आयतन एक बटे तीन पाईआर स्क्वायर एच बेलन का आयतन क्या होता है पाई पाईआर स्क्वायर एच गोले का आयतन क्या होता है चार बटे तीन पाईआर क्यूब इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें आ सकता है साइंस का आ सकता है जैसे साइंस की बात करें कि कार्य की एसआई इकाई क्या है तो कार की ऐसा इकाई होती है जूल बल की ऐसा इकाई क्या है तो बल की ऐसा इकाई होती है न्यूटन एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं एक न्यूटन में दस की पावर पांच डायन होते हैं एक जूल में कितने अर्घ होते हैं तो एक जूल में दस की पावर सात अर्घ होते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बीस से पच्चीस बता दिए और आप नेक्स्ट में जो कल वीडियो इसी तरीके का अपलोड करूंगा ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप नोट कर लेना इसी में से पेपर आने का चांस है और आता रहा है यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो और हम भील में जाकर के अप्रेंटिस करें और अच्छी पढ़ाई करें तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल नोट कर लीजिए याद कर लीजिए आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भेल जय भारत